अस्सलामु अलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का, यमी किस्म का मसाला तैयार कर रही हूँ। आप दही बड़ा मसाला आज हम बनाएंगे अपने किचन में, बहुत ही टेस्टी और यमी होता है। आगे ईद आ रही है और रमज़ान मुबारक ख़त्म होने को आ रहा है। ईद पे मेहमान आते हैं और ज़्यादा मेहमानों की वजह से घर पर बना हुआ तैयार हो और फ़ौरी निकालें और आप डिश तैयार कर लें। आप दही बड़ा मसाला बना रहे हैं उसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1.5 टीस्पून काली मिर्च लिए मैंने साबुत, 8 से 10 अदद लौंग लिए, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन लिए। सबसे पहले ये मसालों को हम एक पैन में हमने ज़ीरा डाल दिया, काली मिर्च, अजवाइन और लौंग, इसको अच्छा सा हल्का सा लाल सा कर लेंगे, खुशबू आने लगेगी तो हम इसको मिक्सी जार में पीसेंगे। का सा रोस्ट हो गया, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये मसाले को ठंडा होने दिया हमने, ठंडा हो गया मसाला, एक मिक्सी जार के अंदर मैं इस मसाले को पीस लूँगी। बिस्मिल्लाह। ये हमने मोटा मोटा सा मसाला पीस लिया है, अब हम दूसरे मसाले इसमें शामिल करेंगे। साबुत लाल मिर्चें मैंने लिए 2 टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। इन दोनों को भी हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, जैसे ही रोस्ट हो जाएगा हल्का सा, फिर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये दोनों चीज़ें भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो गई हैं। इस मसाले को हम अलग से मोटा मोटा सा कूटेंगे। हमने ये कोर मोटा मोटा की पीसा है, ये ज़रा बारीक पीसा है। बारीक मसालों की तरफ से आ जाते हैं हम। 1 टीस्पून मैंने टाटरी लिए, 1 टीस्पून मैंने काला नमक पीसा हुआ लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने, और 1.5 टीस्पून के करीब मैंने आमचूर मसाला लिया है। इन सब चीज़ों को भी एक मिक्सी जार में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। मज़ेदार किस्म का दही बड़ा मसाला तैयार है। अब मैं इसको एक बॉल में डाल के अच्छे तरीके से पूरे मसाले को मिक्स कर लूँगी और एक जार में डाल के हम इसको बंद कर लेंगे मसाले को। जब हमें ज़रूरत होगी हम फौरी निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। मज़ेदार किस्म का हमारा दही बड़ा मसाला तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।